देखिए, इंटीग्रेशन का एक ये सवाल है जो अक्सर लोग कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि ये सिर्फ टेक्निकल है, ना शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल है, ना फार्मूला बेस है। अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स का कोई हमारे पास तरीका कार नहीं है, तो हम सिंपल सा एक मेथड ये करेंगे कि कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हमें पता है टेन एक्स हो जाता है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो मेरे भाई टेन एक्स तो ये अपॉन में आ जाएगा हमारे पास, और कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब बहुत आसान है, अगर हम टेन एक्स को जेड मान लें तो सेक स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है। तो जेड हो गया अपॉन में, जब भी कोई चीज़ हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो आंसर में उसके साथ क्या आ जाता है, ln। तो इसका सिंपल आंसर आ जाएगा ln tan x + c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है।